कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। आपदा के समय ये राशि किसानों के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया। कमल पटेल ने बैतूल, हरदा और होशंगाबाद की निजी अस्पताल संचालकों से अनुरोध किया है कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही मरीजों से राशि लें। तीनों जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि शिकायत आने पर तुरंत जांच करें और दोषी पाए जाने पर जुर्माना करें। संकट का समय है, अस्पताल सेवा भाव से उपचार करें, प्रशासन को सख्ती पर मजबूर न करें। इस मौके पर बैतूल में शिकायत प्राप्त होने पर एक मरीज को अस्पताल से 25,000 वापस दिलवाए गए, साथ ही अस्पताल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुर, बैतूल और हरदा तीनों जिलों में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन बैतूल से शिकायत आई है कि प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं मरीजों के परिजनों से। मैं सभी प्राइवेट अस्पताल के, बैतूल हो चाहे होशंगाबाद हो हरदा हो, चिकित्सकों से अपील कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, ये संकट का समय है, सेवा कीजिए और जितना प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार पैसा लीजिए। अगर किसी ने ज़्यादा पैसा लिया तो ये गलत है, हम उसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई करेंगे। मैंने तीनों कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं, CMHO को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही राशि प्राइवेट अस्पतालों में ली जाए, अगर उससे ज्यादा ली जाएगी तो हम राशि भी वापस कराएंगे और अस्पताल के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। 7 मई को दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश के गांव, गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 75 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए एक बटन दबाकर किसानों के खातों में डालेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।